हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। तो ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट तो मैं पूरी तरीके से इसको नहीं कह सकता हूँ। हाँ, ये लगभग ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। अब इसको लगभग आप मानिए चाहे पूरी तरीके से ज़ीरो बैलेंस अकाउंट मानिए, तो अभी आपको सब पता लग जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये नो फ्रिल्स अकाउंट है। नो फ्रिल्स अकाउंट का मतलब होता है कि जिसमें आपको बहुत कम परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, मतलब बिना झमेले के, बिना किसी झंझट के ये जो अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस अकाउंट के बारे में। तो ये अकाउंट जो होता है ना, ये बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल होती हैं वो सभी वर्ग को पहुँचाने के लिए, समाज के सभी वर्ग को पहुँचाने के लिए ऐसे अकाउंट बनाए जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो है किस बैंक का मैं अकाउंट बता रहा हूँ और ये कैसा अकाउंट है। तो ये जो आंध्रा बैंक का अकाउंट है और इसका नाम है एबी, यानी आंध्रा बैंक इजी सेविंग्स नो फ्रिल्स अकाउंट। तो अब चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। वीडियो बहुत छोटा होने वाला, जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा, बहुत कम यहाँ पे चीज़ें भी लिखी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ीचर्स की बात की जाए तो मिनिमम बैलेंस जो है वो सिर्फ 5 रुपये, सिर्फ आपको 5 रुपये से यह जो अकाउंट मिल जाता है, आप जो 5 रुपये से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है अगर आप जो है मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन नहीं करते हैं तो, और दूसरे सर्विसेज के भी कोई चार्ज नहीं लगने वाले हैं। और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है विड्रॉल के लिए, आप चाहे जितना चाहे अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन जो विड्रॉल होगा वो सिर्फ जो है विड्रॉल फॉर्म से ही होगा और कंबाइंड बाय पासबुक, यानी पासबुक के साथ। तो यहाँ पे पासबुक फैसिलिटी तो मेरे ख्याल, हाँ पासबुक तो मेरे, सॉरी, नो चेकबुक शैल बी इशूड। यहाँ पे आपको पासबुक तो मिलेगा लेकिन चेकबुक नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये चेकबुक इसमें मैंने पहले ही बता दिया, नो फ्रिल अकाउंट है तो इसमें बहुत आपको लिमिटेड सेवाएँ मिलेंगी, बट जो बैंकिंग की ज़रूरी फैसिलिटीज़ होती हैं वो अब तो आपको मिल ही जाएंगी इस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे आपको चेकबुक नहीं मिलेगा और ATM डेबिट कार्ड भी आपको नहीं मिलेगा। नो ABB फैसिलिटी। अब ये ABB फैसिलिटी हो सकता है कि इनका मोबाइल बैंकिंग ऐप या कुछ हो सकता है, इसके बारे में बहरहाल अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। और रिलैक्स्ड KYC नॉर्म्स, तो यहाँ पे KYC नॉर्म्स जो बिल्कुल जो रिलैक्स होंगे। तो ये क्या है यहाँ पे, जैसे कि कोई कस्टमर है 6 महीने पुराना, तो अगर वो इंट्रोडक्शन करा दे आपका तो उसके ज़रिए अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। और या तो कोई दूसरा एविडेंस, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ अगर आप दे दें तो भी ओपन हो जाएगा। अब कंडीशंस की बात की जाए, देखिए दोस्तों, 5 रुपये का अकाउंट ओपन हो रहा है तो कुछ ना कुछ कंडीशंस तो होंगी ही। तो कंडीशंस की अगर बात किया जाए तो द टोटल बैलेंस इन द अकाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखिए, 50,000 से ऊपर मेरे ख्याल से जो इस अकाउंट में आप नहीं रख सकते पैसे। और जो टोटल क्रेडिट्स होंगे ना पूरे साल भर के अंदर, वो 1,00,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, बस अब मेरे ख्याल से यही इतने जो है कुछ कंडीशंस हैं इसके। टोटल बैलेंस और क्रेडिट एग्जिस्ट द सेट लिमिट्स, नो फर्दर ट्रांजेक्शन विल बी परमिटेड इन अकाउंट। और अगर ऐसा कुछ आपने कंडीशन को इनको ब्रेक किया, तोड़ा, तो आप समझ लीजिए कि जो ट्रांजेक्शन है ना वो आगे आपको करने की इजाज़त नहीं होगी, ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि द कस्टमर हैज़ टू क्लोज द अकाउंट एंड ओपन नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट फुलफिलिंग द कंप्लीट KYC नॉर्म। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपने इनके जो है कंडीशंस जो बनाए, इन्होंने शर्तें रखी, अगर आपने उनको तोड़ दिया तो ट्रांजेक्शन की परमिशन आपको नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जब आपको ट्रांजेक्शन की परमिशन नहीं होगी तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने अकाउंट को नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है KYC फुल KYC करा के। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना, यही आप लोगों को जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको ये अकाउंट भी पसंद आएगा। अगर आपको नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए तो ये अकाउंट आप ओपन करा लीजिए, काफ़ी अच्छा अकाउंट है आंध्रा बैंक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है, भूलिएगा नहीं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और माफ़ी चाहता हूँ बीच में कोई कुत्ता था, भूख रहा था, तो हो सकता है कि उसकी भी आवाज़ आ गई हो। अब मैं यहाँ पे कैसी सिचुएशन में रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है शोर शराबा होता है। चाहे मैं कितना भी पावरफुल माइक इस्तेमाल कर लूँ, कुछ भी नहीं होने वाला, तो फ़ायदा ही नहीं है उसका। तो वीडियो बस यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।